हरदा जिले के बाला गांव में 12वीं के छात्र के साथ कुछ युवकों ने बेल्ट से मारपीट की। छात्र के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्र कार्तिक भिलाल अपने घर जा रहा था। इसी दौरान गांव में रहने वाले युवक विवेक ओनकर, कपिल मेहरा समेत अन्य युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया और खेत में लेकर जाकर कपड़े उतार कर छात्र की बेल्ट और लात घूसों से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, मारपीट कर रहे युवकों में से एक युवक ने मोबाइल से मारपीट का पूरा वीडियो भी बनाया। स्कूल से आ रहा था तो सूरज काजवे 8-9 लड़कों को लेकर खड़ा था, बढ़िया रोड रोड बेल्ट लेके मैं आया। एकदम गाड़ी रोकी, मेरी गाड़ी के चाबी छुड़ाई, गाड़ी लॉक करके चाबी उनके जेब में रख ली। मैं को उधर नहर के साइड ले गया था जंगल में, वहां ले जाके मेरा कपड़े फाड़ के मुझे मारने लगे। वो कितने लोग थे? वो 8-9 मिली थे और मुंह बंधा हुआ था, इसमें से 4-5 का, 3 का खुला था। उनके पास क्या क्या सामान था मारने के लिए? उनके पास एक लोहे की रॉड थी और बेल्ट वगैरह था। शाम को ग्राम बालागांव थाना रेहड़गांव के स्कूल में पढ़ने वाला बालक जो है के साथ का कुछ स्कूल के छात्र हैं, उनके साथियों ने मारपीट की थी। चूँकि थाना सिविल लाइन अंतर्गत वो आ गए थे रिपोर्ट करने, तो हमारे द्वारा 0 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और डायरी जो है रेहड़गांव थाना भेज दी गई है।